मैं बैक अगेन। ये यहाँ पर अफ़ज़ा है, ये देखें दरना का क्या है, यह इलायची का पानी होगा, इसका कार्डमन, बजूरी और ये संदल, और फिर ये जाम शीरी करकशी का। यहाँ से ये लंबा चौड़ा सिलसिला है, मैं अगर करना जाऊँ तो मैं तो फिर मुझे इसको, ये चना वना पड़ा हुआ है, चने की दाल वगैरह, यहाँ दालें वाले सारी, ये कसूरी मेथी, एक दफ़ा एक डब्बा ले लो। इसका ये है कि इंडियन फूड के अंदर कसूरी मेथी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो इसका मैं रिकमेंड ये करता हूँ, अगर आप इतना बड़ा डब्बा लेते हैं तो यू हैव टू कीप इट सील्ड, अदरवाइज ये ड्राई, या फिर ये ले जाए। मैं ये वाली ले जाता था क्योंकि मैं फ़िश एंड चिप्स जो बनाता था उसमें स्पाइसी फिश, उसके अंदर ये कसूरी मेथी पड़ती है, तो मैं छोटा ले जाता था क्योंकि स्मेल, ये टोर्टिलाज वगैरह। अगर मैं इधर से आऊँगा तो इधर पे एक दफ़ा चक्कर लगा लूँ। ये है ये सारे चिप्स और ये टोटीलाज वगैरह डोरीटोस के। अब इनका आ जाता है ये सेक्शन जो है, एक और ही मसा चलें, बहुत लंबी कहानी है। ये सारे जो है इनकी ड्रिंक्स हैं, अब देख सकते हैं कितना बड़ा सेक्शन है ये ड्रिंक्स में। अगर मैं आपको ये सारे, यानी पेप्सी के, कोक के, इसके उसके, दिस इज़ प्रीटी मच, पाकिस्तान वाले जानते हैं कि मेट्रो में जो सेटअप होता है। जब यहाँ से इनके कंटेनर का शुरू हो जाता है, अगर आपके पास चीनी बहुत सारी है तो आप इसके अंदर एक दफ़ा भर के डाल दें और ज़रूरत के हिसाब से निकालते रहें। इसके डिफरेंट साइजेस हैं। ये देखें ये कंटेनर्स हैं, ये देखें ये सारे कंटेनर्स हैं, चमचे करछे, ये देखें। मैं आगे नहीं जाऊंगा, बहुत लंबा चौड़ा। क्या हाल जी? बस ठीक ठाक। ये देखें ये जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में जग वगैरह रखे जाते हैं हर टेबल के ऊपर, ये देखें। फिर इनका ये है जो प्लेटें, जो फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स वगैरह में जो प्लेटें यूज़ होती हैं, ये सेक्शन इन्होंने अभी एड किया। ये देखें ग्लासेस वगैरह, ये बेसिकली सारा रेस्टोरेंट सप्लाइज है, एज आई सेड अर्लियर। इस तरफ है और इधर पे है, ये देखें आपको ये सारे पेन वगैरह, ये सारे कमर्शियल स्टफ है और महंगा होता है ये। ये देखें अब आपको दिखाता हूँ इक्विपमेंट्स की तरफ, फिर वहाँ से मैं पिछला एक चक्कर लगा के फिर आई हैव टू क्लोज इट। मैं देखूँ इसने मशीन लगाई हुई कितने की है, $2500 की। ये देखें इससे नहीं हुई तो हम, अब ये जो इसका आप देख रहे हैं फोक्स, क्या नाम है, ये है, ये तकरीबन 9 इंच वाला है, तो ये बड़ा छोटा पड़ जाता है, तो मैं क्या करता हूँ इसको ऐड कर लेता हूँ। इसके ऊपर जो है ना एक ट्रे ऐड करके, एक इतना बड़ा प्लास्टिक लेके आया नया, इसे सुराख किए तो इसको यहाँ इतना बड़ा कर लिया, तो आपका प्रेप एरिया ज़्यादा मिल जाता है अगर आपका किचन बड़ा है तो, नहीं तो फिर आपको इसी में गुजारा करना। सैंडविच तो इस पर रख के बन सकता है, 2199 प्रेप टेबल, सैंडविच टेबल। देखें अंदर से कैसी होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये सारे, ये होती है अच्छी जगह है, कंप्रेसर की भी जगह है, इधर से दिखाता हूँ मैं। ये देखें फोक्स, लेकिन ये अच्छा है, मैंने जो चाइना में देखी थी वहाँ की इक्विपमेंट मार्केट में, चादर जो है, अब चादर हल्की होने लग गई है पहले की बनिस्बत,
लेकिन ये देखें, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग, ही, मैं इसकी बात कर रहा था, ये देखें, ये आपका जो प्रेप एरिया जो है ना, यू नीड एटलीस्ट अ प्रेप एरिया लाइक दिस इफ यू आर मेकिंग अ पिज़्ज़ा। तो ये है, और हाँ देखें ना, इसका लिखा भी हुआ है पिज़्ज़ा प्रेप टेबल। वाह, लेकिन अब चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। ये सारा बेकरी से, ये डिश वॉशर की जो ट्रेज होती हैं प्लास्टिक की, ये वो हैं, ये आपकी बेकिंग ट्रेज है। मैं यहाँ से एक, ये देखें, ये गार्बेज कैन है जो साहब उठा रहे हैं, लेकिन ये सब कमर्शियल है, ये वॉलमार्ट वाला स्टफ नहीं है। देखा आपने फॉक्स, कितना बड़ा सिलसिला है माशाल्लाह। इसी तरह वैंकूवर में मैंने ईस्ट पंजाब के लोगों के देखे हैं, अनबिलीवेबल, और बहुत खुशी होती है। इस वजह से नहीं कि हम लोग साउथ एशियन है तो तरक्की कर रहे हैं, कोई भी हो, यहाँ ये गोरे का भी होगा तो आई विल बी इम्प्रेस द वे दे आर डूइंग इट। इस नाइट के भाई, हमारे हमारे कलर के लोग या हमारे बैकग्राउंड के लोग कर रहे हैं कुछ, ये इनका एक बहुत बड़ा सेटअप बन रहा है फ्रीज़र्स का, और आई डोंट नो कब ये स्टार्ट करेंगे। मैं हर दफ़ा आता हूँ, अभी इनका बिल्कुल बैक एंड है। ये देखें, ये वो होते हैं जो आप अपने बफे बफे वगैरह में रखते हैं, अगर आपके घर में भी हो तो नीचे चार मोमबत्तियाँ जला के इसके वो हार्ट करने के छोटे छोटे वो होते हैं। ये आपकी सारी ट्रेज हैं जो फॉर द क्लीनिंग के लिए, सारा क्लीनिंग स्टफ है, मॉप बकेट्स वगैरह। ये देखें, मैं आपको फ्रीज़र दिखाता हूँ अंदर से कैसा होता है। ये देखें, ये होते हैं अंदर से फ्रीज़र बड़े बड़े। तो ये है फोक्स, मैं इस तरफ से जाता हूँ ताकि इधर से मज़ीद आप लोगों को नज़र आ जाए। आप इसको गूगल करें, A1 कैश एंड कैरी मिसेस सागा। ये अपना वालों का, इनका अपना राइस ब्रांडिंग की हुई है इन्होंने, गालिबन ये A1 कैश एंड कैरी वालों का ही ब्रांड है विच आई बिलीव। यहाँ ये सब बेकिंग के आपके फ्लावर वगैरह के हैं इसमें जो, और ये सारा कैनेडियन है। अगर आपको उठाना हो तो यहाँ से, ये बेकर्स बेकर राइस, हम लोग अगर शॉर्ट हो जाए हमारा सपूतों का अगर, तो हम लोग फिर ये वाला फ्लावर यहाँ से लेके जाते थे, अच्छा फ्लावर होता है पिज़्ज़ा के लिए, क्योंकि ऑल पर्पज़ फ्लावर से आप जो है पिज़्ज़ा नहीं बना सकते। बेकर रोजेस नान वगैरह के लिए ये वाला वो चाहिए होता है। फिर यहाँ पर ये सारे वो नैपकिनस वगैरह हैं, नैपकिनस के रोल वगैरह जो वॉश, ये देखें, ये आपके जो है सारे दब सफाई करने वाला जो पैड्स वगैरह होते हैं, ये प्लंजर है, बेकार है ये, कभी मत लीजिएगा रेस्टोरेंट्स के लिए। ये स्टील वुल वगैरह है, ये झाड़ू, ये वो होते हैं जो होटलों वगैरह में ट्रॉलियाँ यूज़ करते हैं, जो सुबह के वक्त रूम सर्विस वाले आते हैं, वो माप की बकेट्स है। ये देखें, ये बड़े बड़े पतीले हैं, ये देखें जो बहुत ही बड़े बड़े पतीले, और ये सब आते कहाँ से हैं, आई कैन लेट मी सी, कहाँ से आते हैं ये, आई डोंट नो मैन, आई कैन सी, ये देखें, वाओ, ये सारे के सारे पतीले हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेंट्री है ये। ये देखें, बड़े बिरयानी के और जो भी, आई डोंट नो, हम तो बिरयानी ही जानते हैं, हमारी औकात तो बिरयानी भी आगे ख़त्म हो जाती है पाकिस्तानियों की, सॉरी गाइस, आई डोंट मीन इट। ये
दोबारा उस वापसी की तरफ जा रहा हूँ और वहीं से मैं पतली गली पकड़ लूँगा। लेकिन मुझे अच्छा लगता है इस सेंस में कि मैंने आज आया हूँ तो मुझे काफ़ी नई चीज़ों का पता लगा है। इसी बहाने आप लोग तो देख ही रहे थे, मैंने भी देख लिया, तो यहाँ से मैं अब निकल लूँगा। आई होप कि ये आजकल बहुत ज़्यादा चला है, अभी वहाँ भी बारबेक्यू, अब तो ठंडा हो गया लेकिन समर में इसके ऊपर बड़ा बुखार आता है। हमारी यंग नस्ल को इसके लेबल पे पीते हैं ये। पहले इनके यहाँ पर 4 काउंटर होते थे, अब 1, 2, 3, 4 हैं, फिर 4 इन्होंने या 6 जो है इन्होंने उस तरफ लगा दिए हैं। कितना टाइम हो गया है, 11 मिनट की हो गई है। ये क्या चीज़ है, बासमती राइस एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन। तो मैं कैमरे को अपनी तरफ करके हाय, अरे यार, हाँ हाँ ये देखें। तो फोक्स चले निकलते हैं, ये यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है विंटर में। कितने का है, 29 ग्रीस रेजिस्टेंस, जहाँ पर सिंक वगैरह पे आप काम करते हैं तो ये नीचे बिछाते हैं। ये प्रो किचन रबर $20 का, किचन के अंदर, ये किचन के अंदर। चले फॉक्स मैं निकलता हूँ, आप देख सकते हैं हल्की हल्की जो है वो। फॉक्स मैं बाहर आ गया हूँ, आप लोगों को सैर करा दी है मैंने, क्या ना, मैं A1 कैश एंड कैरी की। अब मुझे ये याद नहीं कि मैंने गाड़ी कहाँ लगाई है, गाड़ी बोल नहीं गाड़ी, पप्पा जी मेरी गाड़ी गड्डी से नहीं चुक लाई किसी ने, मेरा ख्याल वही है। अब दिमाग भी नहीं काम करता ना कि रिवर्स लगाई थी या सीधी लगाई थी। तो ये फॉक्स आपको मैंने सैर करा दी A1 कैश एंड कैरी का। आज का मेरा होता है कि 1 घंटे के लिए अगर मैं निकला भी हूँ तो कैमरा ऑन कर दूँ, उसमें यह है कि थोड़ा सा जाना मुझे कहीं और था या दिस इज माय। लेकिन बहुत ही अच्छा मौसम है, -8 है लेकिन हवा में कोई चिल वगैरह नहीं है। ये देखें इस तरह के यहाँ पर बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट होते हैं, आप देख सकते हैं सामने जिस तरह का है, और ये बड़ी कंपनी है। यहीं पर स्टेपल, ये स्टेपल्स वालों का, स्टेपल्स जो है यहाँ पर स्टेशनरी रिलेटेड है। ओके, अब मुझे सामने वाले रेस्टोरेंट में जाना है, मैं यहाँ पर बंद कर रहा हूँ इसको। प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियोस, आज आपकी मैंने बहुत अच्छी सर कराई है, इस पर कम से कम 100 सब्सक्राइबर्स बनते हैं और आप लोग इसको शेयर कीजिएगा। ये देखें हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी जो है यहाँ कनाडा के अंदर कितनी तरक्की कर रही है, और ये जो इसके जो ओनर हैं, जो मेरी बैच जब तक इनको जानता हूँ मैं, तकरीबन 15 साल से या 20 साल की इनकी हिस्ट्री है यहाँ पर। गो ये पाकिस्तान में भी बिजनेस कम्युनिटी थी, फिर वेल इस्टेब्लिश देयर, लेकिन देखें वीजन है, और ऐसे भी है जो यहाँ 40 साल पहले आए थे और अभी भी कैब चला रहे हैं। तो इट्स अ वीजन, इट्स अ प्लानिंग, इट्स अ टाइम मैनेजमेंट, इट्स अ डिसिप्लिन। तो एवरीबॉडी कैन ओन दिस काइंड ऑफ प्लेस, नथिंग बिग, बट यू हैव टू बी फोकस्ड, यू हैव टू हैव अ टारगेट इन योर लाइफ। व्हाट्सएप और फेसबुक को छोड़ना होगा। ओके बॉस, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।